देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। हम मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है जिस पर हमारा प्लस के कूलम चार्ज है, और इसकी वजह से हमें पॉइंट बी पर, इसकी वजह से यानी इस प्लस के कूलम चार्ज की वजह से हमें पॉइंट बी पर पोटेंशियल फाइंड करना है। इस प्लस के कूलम चार्ज की वजह से जो पॉइंट ए पर है, इसकी वजह से हमें पॉइंट बी पर पोटेंशियल फाइंड करना। हमने मान लिया पॉइंट ए से पॉइंट बी आर डिस्टेंस पे, क्लियर। पोटेंशियल है क्या? पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है इसके बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। द बर्डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है उसी को हम पोटेंशियल कहते हैं। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी चार्ज को इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होता है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मान लेते हैं ये इन्फिनिटी यानी कोई भी इन्फिनाइट डिस्टेंस, यहां से हम किसी चार्ज को एक फिक्स पॉइंट बी तक ला रहे हैं, यहां से हम किसी चार्ज को एक फिक्स पॉइंट बी तक ला रहे हैं। इस पॉइंट बी पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई चार्ज इन्फिनिटी पर है, यहां से हम चार्ज को फिक्स पॉइंट बी पे ला रहे हैं जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, क्लियर। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से यानी इस पॉइंट बी से लेके इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस पे कहीं पर भी एक पॉइंट को पी मान लेते हैं, कहीं पर भी एक पॉइंट को पी मान लेते हैं, यानी बी से लेके इन्फिनिटी तक की डिस्टेंस पे मान लेते हैं कहीं एक पॉइंट पी है, जो कि इस सोर्स चार्ज यानी जहां पे ये सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इससे एक्स डिस्टेंस पे। ये पॉइंट पी इस सोर्स चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे। यानी हम करते क्या है, फिर से समझिए, किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट हमारे पास बी है, हमें बी पर पोटेंशियल फाइंड करना है। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क होता है इस वर्क को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इस वर्क को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन्फिनिटी से लेकर बी के बीच तक में मान लेते हैं कहीं पर भी एक पॉइंट पी है जो कि सोर्स चार्ज यानी पॉइंट ए पर जो सोर्स चार्ज रखा हुआ उससे पॉइंट पी कितनी डिस्टेंस पर है? एक्स डिस्टेंस पे। चलिए अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चार्ज को बिना एक्सेलरेशन के इन्फिनिटी से लाते हैं पॉइंट पी तक। हम सबसे पहले चार्ज को इन्फिनिटी से कहां तक लाते हैं? पॉइंट पी तक। चार्ज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लाते हैं, यानी इस टेक्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं पॉइंट पी पे, फिर पॉइंट पी से आगे बढ़ाते हुए हम बी पे लेके आएंगे, पॉइंट पी से आगे बढ़ाते हुए बी पे लेके आएंगे। अच्छा, जो हम यहाँ से पहले यहाँ तक लाए फिर यहाँ से यहाँ तक आगे बढ़ा रहे हैं, इस सिचुएशन में इतने धीमे धीमे बढ़ाएंगे कि उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन ना हो, यानी चार्ज को इतना धीमे धीमे खिसकाएंगे, क्योंकि चार्ज को बहुत तेजी से खिसकाएंगे तो उसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। हम इतने धीमे धीमे खिसकाएंगे कि उसके पास कोई भी एक्सेलरेशन ना हो। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि फोर्स चेंज ना हो पाए, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज पास आता रहेगा वैसे वैसे फोर्स भी चेंज होता रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो चार्ज को बहुत धीमे धीमे हम खिसकाएंगे। चलिए अब यहाँ का फिलहाल हम छोड़ देते हैं, हमें मान के चलते हैं कि जितना वर्क यहाँ से यहाँ के यानी छोटी सी डिस्टेंस का वर्क निकाल लेते हैं, फिर पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे। हम ऐसा मान के चलते हैं कि चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट बी तक लाने में हर जगह यानी बिना एक्सेलरेशन के थोड़ा सा खिसकाए, यहाँ से खिसका के थोड़ा सा खिसकाए, मान लेते हैं डी आर डिस्टेंस या डी एक्स कुछ भी मान लेते हैं अपनी तरफ से डी एक्स, यहाँ से फिर से थोड़ा खिसकाए डी एक्स, फिर थोड़ा सा खिसकाए डी एक्स, यानी हर डिस्टेंस को खिसकाने में सेम वर्क करना पड़ा, क्योंकि बिना एक्सेलरेशन के खिसका रहे हैं यानी बहुत धीमे धीमे। जब एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो जितना वर्क इस डी एक्स में होगा उतना ही इस डी एक्स में, उतना ही इस डी एक्स में, तो यहाँ इन्फिनिटी से लेकर बी तक हर बार हम थोड़ा थोड़ा खिसकाते खिसकाते ला रहे हैं। तो किसी भी एक डी एक्स में आप वर्क निकाल लीजिए, किसी भी एक में, चाहे इसमें निकालिए, इसमें निकालिए, इसमें निकालिए, कहीं पर भी एक डी एक्स के लिए आप वर्क निकाल लीजिए और पूरे के लिए क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका टोटल वर्क आ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? द वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? द वर्क डन। वर्क डन यानी वर्क ही तो आपको निकालना है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ फिक्स पॉइंट, यानी पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से फिक्स पॉइंट तक लाने में जितना वर्क होगा वो वर्क निकालना है। तो यहां से चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाना है, तो हम सबसे पहले चार्ज को इन्फिनिटी से पी तक लाते हैं, फिर पी से बी तक लाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन हर बार हम थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, यहाँ पे थोड़ा डिस्प्लेस किया, यहाँ भी थोड़ा डिस्प्लेस किया, यहाँ भी थोड़ा डिस्प्लेस किया, और इतना कम डिस्प्लेस करते हैं कि ये मान के चलते हैं कि हर इसमें जितना वर्क होगा, जितना वर्क इस डी एक्स में यानी यहाँ पे जो वर्क होगा डी डब्ल्यू, वही वर्क इसमें भी होगा, वही वर्क इसमें भी होगा, यानी हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट छोटा सा निकालें हर सिचुएशन में वर्क सेम होगा। तो हम किसी भी एक का वर्क निकाल लेंगे और फिर पूरा वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे,
चले देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पे हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले चार्ज को हम कहां से लाए, सबसे पहले चार्ज को हम इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाए। सबसे पहले चार्ज को हम, यानी हमारे पास जो टेस्ट चार्ज था, इन्फिनिटी से पॉइंट पी पे लाए। यहां पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, यहां पे टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हम मान के चल रहे हैं। तो अब देखिए, पॉइंट पी की डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज से एक्स है। अब आप जानते हैं एक चार्ज ये प्लस क्यू है, एक चार्ज ये क्यू नॉट है, दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स है, तो इनके बीच एक फोर्स काम करेगा, तो सबसे पहले हम वो फोर्स निकालेंगे, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले फोर्स निकालिए। तो फोर्स बिटवीन चार्जेस क्यू एंड क्यू नॉट, यानी चार्ज क्यू और क्यू नॉट के बीच का जो फोर्स होगा एफ, वो होगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ये फोर्स हुआ, ठीक है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। जब हम यहाँ पे जब चार्ज क्यू नॉट हमारा पहुंचा, तो इस क्यू और इस क्यू नॉट के बीच का फोर्स निकाल लिया हमने। अब फिर से यहां से हमने चार्ज को डिस्प्लेस करना शुरू किया, क्योंकि चार्ज को लाना तो हमें पॉइंट बी पर है। चार्ज को हमें कहां पर लाना है, पॉइंट बी पर। जब चार्ज को हमें पॉइंट बी पे लाना है, तो फिर से यहां से हम डिस्प्लेस करना शुरू करते हैं। हमने मान लिया यहां से हमने डिस्प्लेस किया, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, हल्का सा डिस्प्लेस किया, उसको नाम दिया dx। क्या नाम दिया, dx। उसके बाद फिर से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, dx, फिर dx, dx, इस तरह से dx करते करते b तक लाए। तो हमने आपसे शुरुआत में बताया कि हर डिस्प्लेसमेंट का जो वर्क होगा वो सेम होगा, तो किसी भी एक dx का वर्क निकाल के इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इस dx का हम वर्क निकालते हैं, तो वर्क डन, वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इज, यानी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx, यानी छोटा सा जो हमने डिस्प्लेसमेंट dx किया, इसमें जो वर्क हुआ इज dw, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू dx। तो dw इक्वल टू फोर्स, फोर्स के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की जगह dx। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क निकाल लिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें चाहिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे, हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकाल लिया, हमें चाहिए टोटल वर्क। टोटल का मतलब हम इन्फिनिटी से पॉइंट को कहां लाना चाहते हैं, बी तक, इन्फिनिटी से। देखिए अब ये सारे जो डिस्टेंसेज हैं वो सोर्स चार्ज से हैं, तो सोर्स चार्ज से इन्फिनिटी और सोर्स चार्ज से पॉइंट बी जो है वो आर डिस्टेंस पे, तो यानी हम इन्फिनिटी से लाना चाहते हैं आर डिस्टेंस पे, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना चाहते हैं आर डिस्टेंस पे। तो टोटल वर्क W, इसके लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे। टोटल वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करा तो रहे, लेकिन इंटीग्रेशन की एक लिमिट होती है, तो हम इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कराएंगे, तो हम इन्फिनिटी से कहाँ तक ला रहे हैं, r तक। देखिए इस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक, तो जो लिमिट यूज करेंगे वो हम इन्फिनिटी से r यूज करेंगे, इन्फिनिटी टू r, ये लिमिट हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा w इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर वही रह सकता है जिसके पास d होगा, तो ये d किसके पास है, x के पास, तो x वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी बाहर कर लीजिए। तो यहाँ से आएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर लिमिट r टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx, वन अपॉन एक्स स्क्वायर dx, x ऊपर ले जाएंगे, तो w इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, ऐसे ही रखें, ये x ऊपर गया, x की पावर माइनस टू dx लिमिट r टू इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पे अब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे,
इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, हमें तो साइड में आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले बता दे रहे हैं, वो ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी होते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या होते हैं, जिससे सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता है एक्स पावर एन डी एक्स। देखिए जो भी पावर होती है उसमें वन ऐड हो जाता है, एन प्लस वन, जो भी पावर होती है उसमें वन ऐड होता है, वही नीचे लिख देते हैं एन प्लस वन, वही नीचे लिख देते हैं। तो इसका जब यूज करेंगे हम, तो यहां से आएगा डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और एक्स पावर माइनस टू को जब यूज करेंगे तो हो जाएगा एक्स पावर माइनस टू प्लस वन, वही नीचे लिख देंगे माइनस टू प्लस वन लिमिट आर टू इन्फिनिटी। तो डब्ल्यू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट एक्स पावर माइनस टू प्लस वन, यानी एक्स पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन लिमिट आर टू इन्फिनिटी। तो डब्ल्यू इक्वल टू, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, जो एक्स पावर माइनस वन को लिख सकते हैं, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, एक्स पावर माइनस टू प्लस वन में एक्स पावर माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, ये जो एक्स पावर माइनस वन है उसको लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स आर टू इन्फिनिटी। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद हम लिमिट का यूज करेंगे, इसका लिमिट का यूज करेंगे। तो लिमिट का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट के लिए छोटा सा फॉर्मूला होता है, जैसे लिखाओ एक्स की लिमिट ए टू बी, तो होता है ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट, तो एक बार एक्स जगह अपर लिमिट यूज करेंगे यानी बी माइनस एक बार इस जगह लोअर लिमिट ए, ये लिमिट हम यूज करते हैं इस तरह से। चलिए तो यहाँ पे हम लिमिट का यूज करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट, और जो वन अपॉन एक्स है तो ये अपर लिमिट इन्फिनिटी है लोअर लिमिट आर है, तो एक बार एक्स जगह इन्फिनिटी रखेंगे, एक बार एक्स जगह आर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आएगा एक बार एक्स जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन आर। अब आप सब जानते हैं कि वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है, आप जानते हैं बिकॉज वन अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, तो वन अपॉन इन्फिनिटी की जगह हम जीरो रख देंगे, तो फॉर्मूला बनेगा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट क्यू क्यू नॉट, और वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो गया तो बच गया माइनस का वन अपॉन आर, माइनस का वन अपॉन आर, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला हमारा बना W इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये आया वर्क का फॉर्मूला, लेकिन हमें वर्क नहीं चाहिए, हमें चाहिए पोटेंशियल, हमें चाहिए पोटेंशियल, तो वर्क हमको मिल गया। अब पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, क्यू का मतलब जो चार्ज हम डिस्प्लेस कर रहे थे, यहां पे क्यू नॉट को इधर से इधर ला रहे हैं तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर और अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट कैंसिल, तो फॉर्मूला बन गया V इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट कैंसिल क्यू अपॉन आर। ये फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ से हम साफ साफ कह सकते हैं जो पोटेंशियल है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि आर स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे आर है।